Good morning, everyone. My name is Tanvir Ahmad. I welcome you all for today's online learning class. In this part, we will cover how an atom is combined with the other atoms and how the balance is satisfied. अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे और समझने की कोशिश करेंगे आप. तो यहाँ पे कुछ बातें आपको याद रखनी है कि किन किन मेटल्स की क्या क्या बैलेंसी होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनको याद रखेंगे तो काफ़ी आपको बेनिफिट होने वाला है. देखिए यहाँ सबसे पहले क्या दिया गया, जैसे मैंने हाइड्रोजन के बारे में बोला, ये क्लोरीन के बारे में बोला, ठीक है. दोनों में सिंगल सिंगल तुम्हारे वैलेंसी होती है, वन होती है. इनको जब क्रॉस इस तरह से क्रॉस साइन से करेंगे तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह से, ये मॉलिक्यूल इस तरह से HCl बनाती हैं. सेम कंडीशन ऑक्सीजन की भी कुछ कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, हाइड्रोजन की कुछ कंबाइनिंग कैपेसिटी. तो ऑक्सीजन का मैंने ऑलरेडी बताया था कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है. इनके क्रॉस करेंगे इस तरह से तो आपका क्या होगा, ये H2 बनेगा और ये O बनेगा, वाटर बनेगा. उसी तरह कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 4 होती है, और क्लोरीन की होती है 1, ठीक है. इनको जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, C1H4 मीन्स CH4, दैट इज कॉल्ड मीथेन कहला रही है. उनके बाद साथ साथ में अगर मैं मैग्नीशियम की लूँ, मैग्नीशियम क्या होती है, उनकी ऑटोमोशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में देखेंगे आप तो 2, इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है वो ध्यान से देखेंगे. बोला जा रहा है फॉर अ मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द सिंबल ऑफ कैटायन. पहले कैटायन का सिंबल लिखेंगे, ठीक है. Mg इसमें कितने होते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज होती हैं, ठीक है. साथ साथ में क्या होगा, फर्स्ट फॉलोड बाय द सिंबल ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन के सिंबल्स को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है. तो क्लोरीन नेगेटिव होती है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया इसे. इनके जब हम लोग क्या करते हैं, एरो से इस तरह से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, Mg, और ये जो है Cl में क्या लग जाएंगे, Cl2 लग जाएंगे, ठीक है ना. सेम कंडीशन अगर मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे दस इन मैग्नीशियम क्लोराइड देर आर 2 क्लोरीन आयंस फॉर ईच मैग्नीशियम आयंस फॉर ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मस्ट बैलेंस ईच अदर एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर विल बी न्यूट्रल मस्ट बी न्यूट्रल. नोट डैट इन द फॉर्मूला द चार्ज ऑन द आयंस आर नॉट इंडिकेटेड. मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ये Mg है, ये Cl है, ठीक है. तो इनमें 2 पॉजिटिव चार्ज था और इनमें 1 नेगेटिव चार्ज था. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो ओवरऑल आपको क्या करना है, चार्ज को कैंसिल आउट करनी है, मतलब कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में एक न्यूट्रल, मतलब कि आपको जो बनेगा फाइनल प्रोडक्ट वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होगा. इस तरह से यहाँ बन रहे थे. उसी तरह सम मोर एग्जांपल फॉर्मूला फॉर अमोनियम ऑक्साइड. अगर मैं अमोनियम ऑक्साइड की बात करूँ तो क्या हुआ, एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर देखा जाए तो क्या होगा, ये एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 होती है, और एल्युमिनियम की कैपेसिटी 3 होती है, ठीक है. इनमें 3 पॉजिटिव आती है, इनमें 2 नेगेटिव आती है. इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो होगा क्या कि Al2O3 का फॉर्मेशन करता है एल्युमिनियम, ठीक है. तो इसी तरह से जितने भी कंपाउंड होंगे, जैसे हमारे कैल्शियम है तो कैल्शियम की कितनी होती है, 2 पॉजिटिव चार्ज आती है आयंस में, ठीक है. ऑक्सीजन में कितने आती हैं, 2 पॉजिटिव आती हैं. सिंपल है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव दोनों आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है. तो ओवरऑल रिएक्शन भी क्या होगा, देखें क्या लिखा हुआ ध्यान से देखें यार. वैलेंसी ऑफ 2 एलिमेंट आर सेम, यू कैन अराइव एट द फार्मूला इस. जब आप कुछ इसको करेगा तो कुछ फार्मूला इस तरह से बनेगा, CaO2 CA2O2 बनेगा, है ना. वी सिंपली सिंप्लीफाई द फार्मूला एज ए, और इनको मैं सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्मूला, एक्चुअली मैं ऑलरेडी ये तुम्हारा बैलेंस था तो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये फॉर्मूला आपका इस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है. जो दो एटम्स अगर आपस में दोनों का बैलेंसी सेम हो जाए, कंबाइनिंग कैपेसिटी सेम हो जाए, तो उसके सिंप्लीफाइड फार्मूला जो होंगे आपके, सिंप्लीफाइड फार्मूला उसको हम लोग कंसिडर करेंगे. जैसे कि सोडियम बोला गया, सोडियम है, ठीक है, Na(O)3 है, ठीक है, Na(O)3. तो इनके एक नेगेटिव होते हैं, इनके एक पॉजिटिव होते हैं, तो दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बनेगा NaNO3. तो दीज आर द आयंस आर मेंशन ऑन योर प्रीवियस टेबल, यू कैन चेक द चार्जेस ऑन दैट पर्टिकुलर एटम्स, है ना. देख सकते हैं कि जिस तरह से सोडियम में दिया गया है, पोटेशियम में दिया, सिल्वर है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम आयरन है. तो ये दीज आर द मेटल्स विच पोजेसेस देयर हाउ मच चार्ज ऑन देम, है ना. तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको
उसके चार्ज को उसके उसके जस्ट बिलो लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर है। उसी तरह यहाँ पे बहुत सारे आयंस दिए हुए हैं, तो उस आयंस में देखेंगे चार्ज कितने हैं, उनके नीचे लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब ये इस तरह से कंबाइन करते हैं, इसकी बारे में स्टडी हम लोग हायर क्लासेस में करेंगे, है ना, कि किस तरह से इनका कॉम्बिनेशन होता है, उसकी स्टडी हम लोग हायर क्लासेस में करेंगे। सिर्फ आपको इस सिंबल से याद रखना है कि किस तरह से हर एक एलिमेंट आपस में कंबाइनिंग कैपेसिटी उनका कितना होता है। यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया कैल्शियम का, OH नेगेटिव। तो कैल्शियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, मतलब कि उन पे दो चार्ज होते हैं, OH पे वन नेगेटिव चार्ज होता है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो ये बनेंगे CaOH होल टॉइस, ठीक है, कुछ इस तरह से बनते हैं। जब कोई मतलब कि मल्टी एटम्स में मल्टी एटमिक आयंस होते हैं तो उनको हम लोग ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं उनकी क्वांटिटीज़ को। यहाँ से जिस तरह से कैल्शियम मैंने नोट किया और OH को मैंने एक ब्रैकेट के अंदर किया और उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितने थे, टू थे, और टू से मल्टीप्लाई किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाए। सेम कंडीशन अगर बात करूँ, नोट दैट द फॉर्मूला ऑफ ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन सी ए ओ एच होल टू नॉट सी ए ओ एच होल टू सी एच सी ए ओ एच टू वी यूज ब्रैकेट वेन वी हैव ए टू और मोर ऑफ सेम आयन द फॉर्मूला हियर द ब्रैकेट अराउंड ओ एच विथ ए सबस्क्रिप्ट to indicate that there are two hydroxyl group joined to one calcium atom. In other words, there are two atoms each of oxygen and hydrogen in calcium hydroxide. ठीक है, तो आप हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि फॉर्मूला ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम में क्या होती है, एक पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव यहाँ लिख दिया मैंने, साथ साथ में क्या हुआ यहाँ कार्बोनेट है CO3 2 नेगेटिव, तो जितने चार्ज होंगे उतना आपको नेगेटिव यहाँ लिख देना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या बनेंगे Na2 CO3 का फॉर्मेशन करेगा ये, तो ये हो गया आपके सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। साथ साथ अगर और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि अमोनियम है, उसमें एक पॉजिटिव होती है चार्ज, सल्फेट है SO4, ठीक है, तो इसमें दो नेगेटिव चार्ज होती हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है उनको ब्रैकेट के अंदर करना है और फिर साथ साथ में ऐसे वो लगा देना है, ठीक है, तो ये आपके अमोनियम सल्फेट हो गई। तो आपको यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया गया है क्वेश्चन में, आपको इसको ट्राई करना है अपनी कॉपी में, इसको ट्राई करने की अपने घर पे इसे कोशिश करेंगे बनाने के लिए। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मोलर मास एंड द मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आपको जितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपके इंडेक्स में दी हुई हैं, पीछे उनके उनमें चार्जेस कितने होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और कंपाउंड बनाने की कोशिश की जाए जो कि यहाँ पे आपके गिवन है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास, थैंक यू।